दोगे तो तुमको सत्संगी की लिस्ट से ही काट देंगे वो लोग। इसीलिए दादा ने सावधान चित किया सबको कि जिसमें तुम कामना से भी, इच्छा से भी और अहंकार से भी रहते रहो। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ये भी भूल जाओ, उसने प्यार रखा तो ले लिया, उसकी श्रद्धा ने सुन लिया, बाकी हम किसी को देने वाले थोड़ी हैं। अगर पात्र ना हो तो किसमें दूध डालेंगे? भांडा भाव अमृत तत्व डाल। तुम भाव का भांडा लेके आते हैं प्रेम का, तो गुरु उसमें अमृत डाल देता। भांडा भाव अमृत तत्व डाल। और भाव का भांडा है ही नहीं तो अमृत किसमें पड़ेगा? ज्ञानी का जीवन अमृतमय है, वो अपना सकेगा जिसके हृदय में श्रद्धा का भाव होगा। भाव नहीं होगा तो ज्ञान ऐसे ही बह जाएगा। गुरु तुमको इस भाव को भी पैदा करता है। उपजे चाह साधके संग, और प्रभ का स्मरण भी साधके संग। जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल पाए। आज तुम सतगुरु की संगत में रहोगे तुमको वो सृष्टि का राजा बना देगा। अभी बोला ना, पति जाता है तो लड़की ऐसे हो जाती है, अरे मेरा तो अब कोई नहीं है, अब तो मैं विधवा कहलाऊंगी, अब तो मैं ये कहलाऊंगी। और कोई किसी के गुरु का शरीर शांत हो गया तो क्या वो विदुर कहलाएगा?